मध्य प्रदेश के विंध्य से खबर लेके आए हैं, जो अपना का सोचे मां मजबूर कह दी। लोग सरकारी नौकरी ऐसे कर रहे थे कि हमारे परिवार के एक व्यवस्थित आय हो जाए, जो उन्हें से परिवार के भरण पोषण में दिक्कत न हो। लेकिन का कौनो सरकारी कर्मचारी ऐसे नौकरी कर रहे थे कि ओकर अधिकारियों का दाई महतारी के गाड़ी दे, या फिर ओका का मारपीट में उतारू हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनने लागे। रीवा के वन विभाग के एक ऐसा मामला सामने आवा है, जहाँ एक वन रक्षक के द्वारा रोए रोए के अपन फरियाद की जा रही है। बघेली न्यूज चैनल तक जब यह मामला पहुंचा, तो जब हम अधिकारी अफसरन तक गए, तो अधिकारी अफसर अपने वो छोट कर्मचारी के पक्ष न लेके बल्कि बड़े अधिकारी के पक्ष ले दिखाने। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये एक्सक्लूसिव खबर जो रीवा के जंगल विभाग से जुड़ी है। डीएफओ साहब गाड़ी वाले, जी हाँ, एक नौजवान युवक का एक बड़ा विभाग दिन का यह सोच के कि यह विभाग के चुस्त दुरुस्त करे में जो है कहा जाए कि कामयाबी पई है। लेकिन चुस्त दुरुस्त छोड़ी, बल्कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, छोट कर्मचारी जैसा वन रक्षक, उन्हीं का उदाई महतारी की गाड़ी दे लागे। अब कल्पना करी कि यह मैं गाड़ी सुन के नौकरी पसंद करी। कौने सिविल सेवा आचरण नियम में या कानून में लिखा है कि अपने से छोट कर्मचारी का गाड़ी गुप्ता दी जाए। अपना प्रत्येक बताया दी कि जो उन्हें संदर्भ में आयुष तिवारी नाम के वन रक्षक जो वन वन परिक्षेत्र रीवा में पदस्थ थे, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र लिखा गया कि दिनांक 29/6/2024 का अनुसंधान एवं विस्तार के रोपणी रीवा से कैजुअल्टी कार्य हेतु गाड़ी में पौधा लोड कराए जा रहे हैं। वह दौरान रोपण संबंधी कुछ आवश्यक मार्गदर्शन हेतु परिक्षेत्र सहायक रीवा द्वारा श्रीमान वन मंडलाधिकारी रीवा से दूरभाष पर संपर्क किएगा। जोने मा वन मंडलाधिकारी रीवा द्वारा आदेश देंगा कि आयुष हमारे घरे आवा भेज दीन जाए। आवास में पहुंचे के उपरांत हमारे साथ श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय डीएफओ साहब के द्वारा दूरभाष में हमका निर्देश दे के वापस कार्य में भेज देंगा। जैसा उनके द्वारा यह आगे लिखा गया कि जैसे हम फिर से वनमंडल कार्यालय रीवा पहुंचे, वैसे श्रीमान डीएफओ महोदय रीवा द्वारा हमका फिर से अपने बंगला में बुलाबागा और वह पहुंचे पर कुछ विभागीय कार्य के संबंध में चर्चा की गए। चर्चा के दौरान हमारा फोन जब्त करके हमका गंदी गंदी गाली दे के जान से मारे के धमकी दीन गए। चूंकि हम एक शासकीय कर्मचारी हैं, गाली न दे के निवेदन करत कीन बंगला से वापस रेंज के तरफ चले गए, तो हमका डीएफओ साहब रीवा मारे के खातिर दौड़ावे के प्रयास करें। यह बात मैं अपने आवेदन में आगे लिखा थे कि वन मंडलाधिकारी महोदय द्वारा कीन का ये कृत्य से हम बहुत डरान हैं और भविष्य में हमारे साथ होए वाली घटना कौनो तरह के घटना यदि हो थी तो वन मंडलाधिकारी महोदय रीवा जिम्मेदार हो ही, मतलब डीएफओ साहब। तो यह आए आयुष तिवारी जो वन रक्षक हैं, बहुत छोटा पद होते है जंगल विभाग में, लेकिन डीएफओ साहब के द्वारा जो में कृत्य कीनगा का यह उचित है या अनुचित है, एक खुद अपना फैसला करी। हालांकि यह बारे में हम खुद डीएफओ साहब के लगे गए और उनसे जाने के प्रयास करें कि आखिर माजरा का है, तो उनके द्वारा यह बात कह के ये बात का टाल देंगा और कहा गया कि वो का सस्पेंड कह देंगा है, ए वजह से वह हमारे ऊपर निरर्थक आरोप लगाए रहा है। हालांकि आयुष तिवारी से संपर्क करने के प्रयास करें तो उनके द्वारा यह कहा गया कि जो हम का कहे कर रहा हम आवेदन में दे चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी CCF से हम मिलन, उनसे बात करें तो जो है अपने डीएफओ के पक्ष में ज़्यादा दिखाने, जबकि अधिकारन की रक्षा छोट कर्मचारी के हो चाहिए। सब खातिर नियम बने हैं, कायदा बने हैं, का नियम कायदा के बिना यह वन विभाग चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे हैं, उनका नहीं लगे कि एक वन रक्षक
मानसिक रूप से प्रताड़ित है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित है, यदि कोनो गलत कदम उठावत है तो आखिरकार का डीएफओ साहब जिम्मेदार हो ही वह परिवार के भरण पोषण खातिर, या फिर उक्त आयुष तिवारी के साथ यदि कोनो घटना होती तो उनके घटना के जिम्मेदार हो ही का? नहीं, सीधे तौर पर यह पूरी घटना एक बड़े घटना की ओर अंदेशा दे रही है और यह में यदि व्यवहार है बड़े वरिष्ठ अधिकारी के है तो निश्चित तौर पर यह एक चिंताजनक विषय है। तो सुनी पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। सर, एक आयुष तिवारी है, वन रक्षक है, उनका आरोप है कि डीएफओ साहब ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज किया है और मारपीट तक में, मतलब वो मुझे आगे तक दौड़ाए भी है। सर, क्या है पूरा मामला? विभाग के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, वो लड़का काफ़ी मेंटली प्रेशराइज्ड है, तो क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास भी आई थी, आवेदन आया था, और उस आया था तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही? एक आवेदन उनकी तरफ से कार्यालय में दिया गया था और उस समय चूँकि मैं था यहाँ नहीं, मुख्यालय में बाहर था मैं, तो मेरे आने के बाद एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उसकी जांच के लिए मैंने एक वरिष्ठ हैं वनमंडल अधिकारी सीधी, उनको हमने एक जांच के लिए दे दिया है। जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जांच रिपोर्ट आती है फिर जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर उनका निर्णय करेंगे। क्या सब वनरक्षक जो है उनको सस्पेंड भी किया गया है? ऐसी सूचना है, उनके निलंबन का कार्रवाई किया गया है। सर, क्या आप लोगों के द्वारा उस उक्त वनरक्षक जो काफ़ी छोटी पोस्ट होती है उस व्यक्ति से या उस वनरक्षक से मिलने का भी प्रयास किया गया, उससे जानकारी लेने का या उसके हालचाल जानने का प्रयास किया गया, कैसी हालत में? नहीं, ऐसा कोई उस वनरक्षक के द्वारा कोई अगर अनुशासनहीनता या जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उस पर कोई लापरवाही हुई है और उसके आधार पर अगर उनके जो अनुशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो उसमें अलग से कोई पूछताछ करने का इस कार्यालय के स्तर पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। अनुशासनिक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जो है अगर कुछ ऐसा निर्णय उनके प्रतिकूल आता है, क्योंकि सस्पेंशन जो है, निलंबन जो है वह तात्कालिक रूप से कोई ये दंड का मसला नहीं है, उनको तात्कालिक रूप से वहां से हटा करके जिस उत्तरदायित्व को उनको दिया गया है उसके स्थान पर अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी देने के लिए उनको वहाँ से तात्कालिक रूप से अगर हटाना आवश्यक होता है तो निलंबन की कार्रवाई की जाती है। रही बात उस निलंबन के पश्चात उनके खिलाफ जो विभागीय प्रक्रिया है उसके तहत उनके आरोप पत्र जारी होते हैं, उसकी जांच होती है और जांच के बाद उसके लिए विभागीय जाँच अधिकारी अलग से नियुक्त होते हैं जिसमें संबंधित जो व्यक्ति है उसको अपनी बात रखने का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, विभागीय जांच प्रक्रिया जो है वो सिविल सर्विस रूल्स के तहत होती है और अगर वो अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर अगर वो निर्दोष होते हैं तो वैसा अनुशासनिक अधिकारी का निर्णय के आधार निर्णय लेते हैं विभागीय जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर। अगर दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं तो उनको दंड देते हैं, अगर वो दंड से व्यथित हैं होते हैं तो उसके बाद जो है वो अपील का प्रावधान है, वो हमारे यहाँ अपील होती है और अपील में भी हम रिजनेबली उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनकी अपील के जो भी फैक्ट्स हैं या विभागीय जाँच अधिकारी ने ठीक कार्रवाई की है नहीं करी है या अनुशासनिक अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है वो मतलब जो गलती है जो त्रुटि है उसके अनुपात में है या उससे अनावश्यक रूप से ज़्यादा कोई दंड दिया गया है, तो इन सब का परीक्षण करके अपील में हम लोग उसका निराकरण करते हैं। सर, जैसे तो अभी कोई अपील का मसला है नहीं, तात्कालिक रूप से उनको वहां से हटा दिया गया है
और उनके जो भी आरोप पत्र और जांच के लिए उनको अभिलेख देंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फर्दर अगर हमारे यहाँ कोई अगर उनकी अपील आती है तो वी विल कंसिडर। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जितने गंभीर आरोप वन रक्षक ने लगाए हैं, ठीक है, यदि कोई लापरवाही होती है तो उस पर आप दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन माँ बहन की गालियाँ देना, मारपीट करना या मारने के लिए दौड़ना, ये किस सिविल सर्विस लॉ के आधार पर आपके बड़े अधिकारी या अफसर कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई देखिए, जहाँ तक बात है किसी के लिए भी कि किसी को फिजिकली हैंडल करना या किसी को अपशब्द कहना या बोलना, वो किसी भी शासकीय जो प्रक्रिया है उसके तहत अपेक्षित नहीं है। और अब ये वास्तव में क्या हुआ है, ये जो जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि वनरक्षक ने ये भी कहा है सर कि मोबाइल मेरा छुड़ा लिया गया था डीएफओ साहब के द्वारा, और फिर ये भी ये बात को समझिए ना कि भाई एक आदमी को अगर कोई कुछ भी अगर एक्शन होता है, ही इज ओनली वन पर्सन, एक डीएफओ के पास केवल एक ही गार्ड नहीं होता है, उसके पास सैकड़ों आदमी काम करने वाले होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो विशेष रूप से ऐसा आरोप लगाता है, बाकी लोग तो मेरे पास तो ऐसा कोई एक भी आदमी नहीं आया है, आज तक नहीं आया है, पिछले एक वर्ष में से यहाँ पर हैं, और बाकी जो चाहे जनप्रतिनिधि लोग हैं या जो दूसरे उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे कार्यालय में हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे उनके अलावा और किसी से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। तो किसी एक अकेले व्यक्ति के ऐसा दोषारोपण कर देने से ये मान के कि चलें कि नहीं ऐसा कुछ गलत हुआ ही है, ये भी उचित नहीं है। लेट द थिंग्स बी इंक्वायर्ड, ठीक है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,